हाँ जाओ सभी लोग। यस आ जाओ आ जाओ। आज संडे विंडे कुछ नहीं, संडे मेरे साथ है सब। वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम यू ऑल टू द सेशन ऑफ सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। साउंड वगैरह चेक कर, ठीक क्लियर आ रहा है क्या? थोड़ा पीछे बैठ के देख। कट रहा है, खर खर आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है कि देख ले एक बार। साउंड क्लियर है क्या सब लोगों को? साउंड पूरा क्लियर आ रहा है? तेरा स्पीकर खराब है क्या? हाँ तेरा स्पीकर खराब है क्या? इसमें एक बार ट्राई कर। हाँ तेरा स्पीकर खराब है क्या? इसमें एक बार ट्राई कर। नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ऑडियो क्लियर है। चलिए सो वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम यू ऑल टू द सेशन ऑफ सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हम समझ रहे थे। कल हमने इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब समझा। इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया। इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओकोनोमिया, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, वी अंडरस्टूड टू फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट दो फंडामेंटल फैक्ट्स के ऊपर बनाया गया है। फर्स्ट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सेकंड, मींस टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द मींस टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। नाउ अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है इसका मीनिंग समझने के भी हम यहां पर कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा? इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इकोनोमिया और मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, और इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट विच इज बेस्ड ऑन टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एज टू हाउ डज द एज टू हाउ आर द अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाइड विद द लिमिटेड रिसोर्सेस। इसके लिए हमने इकोनॉमिक्स के अंदर सी फाउंडेशन में अगर आप देखते हो बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जाना है, समझा है। वी हैव अंडरस्टूड वेरियस थ्योरीज, वेरियस कॉन्सेप्ट्स इन द सी फाउंडेशन सिलेबस। वी हैव सीन how does a consumer behave in a market, we have seen how does a producer behave in a market in a theory of supply and theory of demand, right? And also we have seen in theory of consumer behavior. Ab now understanding what is the basic difference between economics and business economics. What do you mean by business economics? The part of the economics which is specifically applicable to the business is called as business economics. The part of the economics which is applicable to the business or practically applicable to the business is called as business economics. Business economics is subject beta kuch bhi nahi hai, it is just the practical application of the subject of economics. Whatever theories, whatever laws we have studied and whatever findings, whatever research are done in the subject of economics, when they are practically applied to the business, such kind of economics is called as business economics. First, decision making refers to the process of selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end from two or more alternatives. Therefore, business economics fulfills the need of management by providing a large set of theories and techniques. जिस हिसाब से लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स कंज्यूमर के लिए होते थे, उसी हिसाब से बिजनेस के पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होते हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट जो है अटेन करना, ये किसी भी बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। इस गोल को अचीव करने के लिए अवेलेबल अल्टरनेटिव में से बेस्ट अवेलेबल अल्टरनेटिव चॉइस करना, ये अपने आप में एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो सब्जेक्ट हेल्प करता है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अनलिमिटेड अल्टरनेटिव में से जो लिमिटेड रिसोर्सेस है आपके पास, उन लिमिटेड रिसोर्सेस में से जो जितने भी अल्टरनेटिव है उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव का चॉइस करने में जो आपको हेल्प करता है वो है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज हेंस रेफर्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, क्योंकि बिजनेस के अंदर जब अवेलेबल अल्टरनेटिव में से जब हमें कोई एक अल्टरनेटिव का चॉइस करना है, दैट मीन्स वी हैव टू मेक अ डिसीजन, एंड डिसीजन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मैनेजमेंट।
and management is done with the help of business economics. Hence, business economics can also be understood as managerial economics, as business economics helps in decision making. Business economics के द्वारा हम theories को apply करके अलग अलग alternatives में से choice करेंगे कि कौन सा plan size हमारे लिए optimum plan size रहेगा, जिसमें हम maximum output minimum cost पे बना सके. Right? This can be understood with the help of business economics. Next point, business economics is also referred to as managerial economics because it helps in decision making. Business economics can also be understood as practical applicability of the theories of economics. Practical applicability of theories of economics. जैसे मैंने कहा, जो कुछ भी theory, जो कुछ भी law, जो कुछ भी चीजें, जो कुछ भी research और findings हमारे economics के subject में हमने की है, जब हम उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे बिजनेस में करते हैं, उसे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं. सीए फाउंडेशन के पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, इतने जो सारे थ्योरीज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े, उन्हीं का हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिजनेस में देखा, जिसके द्वारा हमने मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी, राइट, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश की. ये सारे मार्जिनल की कॉन्सेप्ट्स, मार्जिनल कॉस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम कब समझ पाए, जब हमने इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज एंड लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स इनटू द बिजनेस. राइट, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्राइजेस दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक नॉलेज, थ्योरीज, एनालिटिकल टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इन द बिजनेस. बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के अंदर जो जो इकोनॉमिक के थ्योरीज का हम इस्तेमाल करते हैं, जो जो लॉज, जो जो एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल हम बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए करेंगे, वो सारा इकोनॉमिक्स का पार्ट बिजनेस इकोनॉमिक का कंटेंट बनता है. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज वेरी सिंपल. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्टडीज, लॉज, एनालिटिकल टूल्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. जैसे एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज द डायरेक्टर ऑफ अंबुजा स्टील्स लिमिटेड. The company wants to enter into manufacturing of mobiles. Now there is a decision to be taken. Now whether the company should diversify into another business or not is an economic decision which is to be taken. And for taking this economic decision, we will use various economic techniques and tools, analytical tools, to verify whether this decision is a correct decision or not. After making analyzation or after applying theories of economics, if we come to a conclusion that it's a profitable venture, then only we can go into that particular बिजनेस. राइट, अब क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन हमारे सामने है कि मिस्टर एक्स इज अ डायरेक्टर ऑफ अंबुजा स्टील्स लिमिटेड. अंबुजा स्टील्स लिमिटेड कंपनी क्या है? स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. द कंपनी वांट्स टू एंटर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन. एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक मोबाइल कंपनी में जाना चाहती है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहती है. इसे हम कहते हैं डायवर्सिफिकेशन. हमारे लाइन को हमारी लाइन में ही एक्सपांड करना, एक स्टील प्लांट से दो स्टील प्लांट बनाना, उसे हम कहेंगे एक्सपांशन. लेकिन स्टील का बिजनेस छोड़कर मोबाइल के बिजनेस में जाना, इस तरह के बिजनेस स्ट्रेटेजी को हम डायवर्सिफिकेशन कहते हैं. तो अब स्टील का बिजनेस के साथ साथ मोबाइल के बिजनेस में या मोबाइल प्रोडक्शन में एंट्री करना, यह बिजनेस डिसीजन इकोनॉमिकली कितना वायबल होगा, कितना प्रॉफिटेबल होगा या लॉस मेकिंग होगा, इसके बारे में हमें जानना है. ये जानने के लिए कि ये डिसीजन सही होगा नहीं होगा, इसके लिए पहले हमें कुछ सवालों का जवाब जो है वो देना होगा. व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच कैन बी रेज्ड? फर्स्ट, शुड वी डाइवर्सिफाई? पहली बात तो पहले हमें इस शब्द का जो है, इस प्रश्न का जो है जवाब ढूंढना होगा कि क्या जरूरत है, क्या कि हम हमारे स्टील के बिजनेस से हटकर कुछ और नया करें? इज देयर एग्जैक्टली एनी रिक्वायरमेंट दैट वी शुड डाइवर्सिफाई? सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल कम अप टू यू एज अ डायरेक्टर, अगर आप डायरेक्टर हो मिस्टर एक्स की जगह पर, तो बट ऑब्वियस पहला सवाल आपके पास क्या था? व्हाट वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन यू वुड बी आस्किंग टू योरसेल्फ? शुड वी डाइवर्सिफाई? क्या हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए? हमारे स्टील का बिजनेस अच्छा चल रहा है, उस बिजनेस को छोड़कर एकदम अलग से टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? राइट, सो पहला सवाल जो मैनेजमेंट के सामने, बिजनेस के सामने आएगा, शुड वी डाइवर्सिफाई? सेकेंड क्वेश्चन वी हैव टू आस्क सेल्फ, What kind of suppliers are available? स्टील का तो हमें सब पता है, सप्लायर कौन है क्या नहीं सब पता है. जैसे आप मोबाइल बना रहे हैं तो मोबाइल के सारे मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी एक्सेसरीज है, वो सारे एक्सेसरीज इंडिया में नहीं मिलते. इंडिया में नहीं मिलते तो उसे चाइना से लाना पड़ेगा. तो सप्लायर्स चाइना में किस तरह के हैं, वो किस रेट पे सप्लाई करेंगे? अगर हम चाइना से इंपोर्ट करके असेंबलिंग करेंगे तो हमारे मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा. तो ये सारे कॉस्टिंग के हिसाब से, जो कॉस्ट
थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो हमने समझा है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट के द्वारा जो है हमें डिसीजन का, इस पर्टिकुलर डिसीजन का व्हाट आर द काइंड ऑफ सप्लायर्स अवेलेबल, इसके बारे में जो हम एनालिसिस करेंगे। व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, जो हम चीज प्रोडक्ट, जो हम चीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके मार्केट में कितने सब्स्टिट्यूट्स है। हम हमारे मोबाइल का ब्रांड बनाएंगे, ऑलरेडी मार्केट में बहुत से ब्रांड है। अगर आपका जो मोबाइल ब्रांड बनेगा, लेट्स से अंबुजा मोबाइल, अंबुजा मोबाइल के बहुत से बड़े ब्रांड है, कंपटीटर से सब्स्टिट्यूट है, सैमसंग है, एप्पल है, एमआई है, ये Xiaomi है, ऑलरेडी ये सारे कंपनी मार्केट को कैप्चर करके बैठे हैं। तो मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट्स कितने अवेलेबल जिस प्रोडक्ट में आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। व्हाट इज द कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कस्टमर्स के टेस्ट क्या है, कस्टमर्स के प्रेफरेंस क्या है, और कस्टमर किस तरह के मोबाइल को पसंद करता है। जहां हमें पता है कि आज के डेट में मार्केट में एंड्रॉइड सिस्टम की सबसे ज्यादा डिमांड है। नेक्स्ट, हु आर द मार्केट कंपेटिटर्स एंड द मार्केट शेयर, जिस इंडस्ट्री में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं उस मार्केट में कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं और हर एक कॉम्पिटिटर का शेयर कितना है। आज हमें मेजरली पता है, मेजरली जिसका मार्केट कैप्चर है, मार्केट शेयर है, ऐसे दो मोबाइल कंपनी है आईफोन और सैमसंग, इन दोनों कंपनी का मार्केट के अंदर शेयर जो है वो ज्यादा रहा है। ओवर द पीरियड अभी धीरे धीरे जो है सैमसंग का जो शेयर है वो थोड़ा थोड़ा घट रहा है, लेकिन आईफोन का जितना शेयर था मार्केट में उतना अभी भी है। इसका मतलब जब हम नए इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो हमें ये समझना होगा या अंडरस्टैंड करना होगा कि कंपटीटर हमारे कौन है और कंपटीटर का मार्केट शेयर क्या है। व्हाट आर द काइंड ऑफ लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड, किस तरह का लेबर फोर्स लगेगा, स्टील के अंदर अनस्किल्ड लगेगा, लेकिन मोबाइल जैसा एक डिवाइस बनाना है तो बड़ा देश उसके लिए जो हम लेबर लगने वाला है हमें वो लेबर स्किल्ड लगेगा। तो किस तरह का लेबर फोर्स है और लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है ये भी हमें समझनी होगी। नेक्स्ट, इवन यूएस के अंदर उस तरह का लेबर फोर्स अवेलेबल नहीं है कि जो कम कास्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कर सके, इसलिए आईफोन का अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वो चाइना में बनाया गया। तो इंडिया में उस तरह का लेबर फोर्स अवेलेबल है क्या जो चाइनीज लेबर के मुकाबले कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मोबाइल को प्रोड्यूस कर सके। व्हाट आर द, हाउ मच इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट, अब मोबाइल के बिजनेस में जाना है, स्टील प्लांट के लिए पैसा कितना, लागत कितनी, ये पता है, लेकिन मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग का हमें आइडिया नहीं है। तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भी बनाना होगा कि कितनी लागत के साथ ये मोबाइल की जो है फैक्ट्री बनेगी। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना होगा ताकि हम प्रोडक्शन कर सके, राइट? क्या ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लांट साइज होगी जिसके द्वारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन हम कर पाएंगे और उस ऑप्टिमम प्रोडक्शन के द्वारा हम मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन कर पाएंगे। इसके अंदर हम थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज नीडेड, इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। एंड व्हाट इज द ग्लोबल कंडीशन, जिस मार्केट में हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं उस मार्केट का, उस प्रोडक्ट का ग्लोबल कंडीशन क्या है, ये हमें समझना होगा। एंड फाइनली एक सवाल जो बचता है, व्हाट आर द पॉलिटिकल, लीगल, कल्चरल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन शॉर्ट व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच विल बी अफेक्टिंग, और एक्सटर्नल डायमेंशन विच विल बी अफेक्टिंग द इंडस्ट्री वी आर ट्राइंग टू स्टेप इनटू। मोबाइल के अंदर जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल प्रोसीजर, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इन सभी फैक्टर्स का हमारे पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट है, हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट है, ये भी हमें समझना है। दिस इज ऑल्सो टू बी अंडरस्टूड एंड फॉर दैट यू विल हैव टू आंसर क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द पॉलिटिकल, लीगल, कल्चरल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। सो ये 10 सवाल लाजमी है और इन 10 सवालों के जब हम जवाब ढूंढेंगे, जवाब जब हम मिलेंगे उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन के साथ हम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। और इन सब डिसीजन को लेने के लिए, इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने में जो सब्जेक्ट हमें मदद करता है वो होता है इकोनॉमिक्स। तो हम बिजनेस के अंदर जब इन सभी सवालों का जवाब इकोनॉमिक्स के टूल, टेक्निक्स और एनालिटिकल टूल्स, थ्योरीज और लॉ का इस्तेमाल करके जब इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तब जाके इस इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्योंकि ये सारे डिसीजंस, ये सारे प्रश्नों के उत्तर लेने में, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में और उसके ऊपर डिसीजन लेने के अंदर जो हेल्प करता है वो होता है हमारा इकोनॉमिक्स। और ये जो इकोनॉमिक्स, जो डिसीजन मेकिंग, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको हेल्प कर रहा है, इस सब्जेक्ट को हम कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन कंक्लूड दैट द मैनेजमेंट फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन डिसीजन मेकिंग व्हाइल अराइविंग एट अ पर्टिकुलर डिसीजन। Therefore, business economics may be defined as use of economic analysis to make business decisions involving
द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास भी रिसोर्सेस स्केर्स है, उन स्केर्स रिसोर्सेस का बेस्ट अल्टरनेटिव यूज हमने करना होगा, और जब हम बेस्ट अल्टरनेटिव यूज उसका करेंगे तभी जाकर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है, जो गोल है उसे हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने में चूक गए, डाइवर्सिफाई करना नहीं चाहे फिर भी अगर डाइवर्सिफाई कर लिए तो मोबाइल के इस बिजनेस में, इस सेक्टर में हम नुकसान खा सकते हैं। क्योंकि मोबाइल के सेक्टर में, बिजनेस में हम नुकसान ना खाए ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट विल हैव टू डू टू सी और टू इंश्योर कि हमारे बिजनेस में जो है, हमारे जो मोबाइल के जो बिजनेस में है ये नुकसान ना हो, ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम सही डिसीजन ले। और सही डिसीजन कैसे आते हैं, फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। यहां पर एक डेफिनेशन दिया है, एआर डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन द टर्म्स ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी और बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर जो एनालिसिस का हम इस्तेमाल करते हैं, जो इकोनॉमिक एनालिसिस का हम इस्तेमाल करते हैं, उन सारे इकोनॉमिक एनालिसिस को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है डेफिनेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड स्टडीज। इकोनॉमिक एनालिसिस स्टडीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब बिजनेस में हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसे हम कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। नाउ नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, नाउ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर सब्जेक्ट मैटर समझेंगे। सब्जेक्ट मैटर के अंदर दो होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस के इंटरनल इश्यूज या इंटरनल सवाल या इंटरनल क्वेश्चंस के ऊपर डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर विल हेल्प अ बिजनेस टू फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दे आर प्रोड्यूसिंग। गवर्नमेंट पॉलिसीज का मेरे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट है, लीगल फ्रेमवर्क का, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का, बदलती सरकारों का मेरे पर्टिकुलर, जैसे बंगाल का इलेक्शन है, बंगाल में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट में चेंज का मेरे बिजनेस पे क्या इन्फ्लुएंस है, ये समझने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद लेनी होगी। इकोनॉमिक्स में दो ब्रांचेस है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ माइक्रो पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ माइक्रो पार्ट। व्हेनेवर वी स्टडी द माइक्रो पार्ट इट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। छोटे से छोटे जो पार्ट के जब हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। छोटे से छोटे पार्ट की जब हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी बट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट। जब स्मॉलेस्ट पार्ट की जब हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेनेवर वी स्टडी दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट ए इंडिविजुअल ग्रुप और अ कंपनी और अ स्पेसिफिक बिजनेस इट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। व्हेनेवर वी स्टडी द इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल, जब हम वो इकोनॉमिक फैक्टर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो पूरे इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट होता है, हर बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होता है, तो उस तरह के हम जो फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स को, उसे हम कहां पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सरकारें बदल रही है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट में बदलाव है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल रही है, लॉ के अंदर बदलाव हो रहे हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मेरे एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट में आते हैं। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट आर नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स, और गवर्नमेंट के पॉलिसीज में, लॉ के अंदर, इन सभी चीजों के अंदर जो बदलाव है, इन बदलाव का मेरे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट है, ये समझने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद लेनी होगी। मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, मेरा ऑप्टिमम प्लांट साइज क्या होना चाहिए, मैंने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, इक्विलिब्रियम कहां पर मैं अचीव कर सकता हूं, इन सभी सवालों के अगर मुझे जवाब लेने हैं तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। सो बिजनेस के इंटरनल डिसीजन और मैनेजमेंट के लिए इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, दोज आर थ्योरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट का, जैसे पॉलिटिकल, लीगल, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारे चीजों का मेरे बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मेरे बिजनेस के ऊपर का जो इन्फ्लुएंस है, इसके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग है, जो कुछ भी मैनेजमेंट में डिसीजन लेना है, इन सभी डिसीजन को लेने के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा, व्हाट विल आई हैव टू डू, आई हैव टू
use the theories of macroeconomics, right? So starting with microeconomics and macroeconomics. The word micro is derived from the Greek word micros. It's derived from the Greek word micros, where micros means small. जहाँ पे माइक्रोस का मतलब क्या होता है स्मॉल, राइट. जब हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर, हम किस तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में जब एक इंडिविजुअल किस तरह से बिहेव करता है, थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंदर किस तरह से इंडिविजुअल सप्लायर बिहेव करता है, ये समझने की कोशिश करते हैं. तो इन सभी स्टडीज के अंदर हम किसी इंडिविजुअल बिहेवियर को, किसी ग्रुप के बिहेवियर को, किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं. तो इसे हम कहेंगे माइक्रो स्टडी, और इस माइक्रो स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है. जब हम कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, तो उसे हम समझते हैं अंडर द सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. हेंस माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज फैक्टर्स विच अफेक्ट इंडिविजुअल ग्रुप और कंपनी, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ स्टडीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स, the word macro is derived from the Greek word macros, which means large. Hence, macroeconomic studies economic factors which affect the entire economy. Hence, macroeconomics is the study of aggregate. Is the study of aggregate. Example, national income. अगर मैं national income की study कर रहा हूँ, तो national income study under the economics is study of macroeconomics. और macroeconomics की जो भी study है, that helps me in taking the decision of the external business environment, right? Now, nature of business economics. What is the nature of business economics? और business economics की इस nature के अंदर क्या क्या आता है, ये मेरे last point होंगे discussion के. बहुत easy है, चलिए. Starting with the first point, business economics is a science. Business economics को हम science इसलिए कहते हैं क्योंकि science is a systematic body of language जो प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है. इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट एक साइंस है, बट ऑब्वियस बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स आता है. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज है, जहां पर डिसीजन मेकिंग की इस प्रोसेस को सिस्टमैटिकली एनालिसिस के द्वारा स्टडी किया जाता है और समझा जाता है. जब सिस्टमैटिकली स्टडी और एनालिसिस के द्वारा जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जैसा एक साइंस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिजनेस डिसीजंस. Hence, business economics is also a science. Science का मतलब क्या होता है, किसी भी फील्ड को हम साइंस कब कहते हैं, जब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज होगा, जब सिस्टमैटिक रिसर्च होगा, जब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, तो इसे हम कहते हैं साइंस. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझना, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं साइंस. और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिजनेस डिसीजन करते हैं, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स आल्सो कंसीडर्ड टू बी अ साइंस. साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज टू एस्टैब्लिशेस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. बिजनेस इकोनॉमिक यूजेस वेरियस इकोनॉमिक टूल्स टू अचीव द गोल्स ऑफ द बिजनेस, एंड हर एक बिजनेस डिसीजन का क्या कॉज और क्या इफेक्ट हो सकता है, इसे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिटेल में सिस्टमैटिकली स्टडी के द्वारा, सिस्टमैटिक नॉलेज के द्वारा जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं. इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो वन ऑफ द साइंस. इट फॉलो साइंटिफिक मेथड्स एंड टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट. देयरफॉर बिजनेस इकोनॉमिक इज आल्सो अ साइंस. हर एक बिजनेस डिसीजन का साइंटिफिक इंप्लीकेशन क्या होगा, वैलिडिटी क्या होगी, उसके रिजल्ट से आउटपुट क्या होंगे, इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में. हेंस बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड टू बी अ साइंस, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. मेरे बिजनेस के विदिन जो सिर्फ मेरे बिजनेस से जुड़े डिसीजन है, दीज आर इंडिविजुअल डिसीजंस, और इंडिविजुअल डिसीजंस लेने के लिए मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है. जब कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसी, लीगल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट के फैक्टर्स और डायमेंशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसका इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस हमारे बिजनेस पे अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हमें मैक्रो एनालिसिस की जरूरत होगी, राइट. सो हम ये कह सकते हैं ये सब्जेक्ट जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ये दोनों भी मुद्दों के ऊपर, दोनों भी स्टडीज के ऊपर बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स. हमारे बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट,
बिजनेस के इंडिविजुअल डिसीजंस को लेने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, पॉलिटिकल, लीगल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो हमारे बिजनेस बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, इम्पैक्ट होता है, उन सभी डिसीजंस को लेने के लिए। अब मान लो हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कोई बदलाव है, हमारे लीगल एनवायरनमेंट में कोई बदलाव है, हमारे लॉ में कुछ बदलाव है, तो उन बदलावों के साथ हमें हमारे बिजनेस को जो है बदलना होगा, डिसीजन लेने होंगे। और वो डिसीजन लेने के लिए कौन हेल्प करेगा? मैक्रो एनालिसिस, नॉट माइक्रो एनालिसिस, क्योंकि वो सारे डिसीजन क्या है, सभी बिजनेस के लिए, सिर्फ हमारे बिजनेस के लिए नहीं है। अगर मान लो ये मैं रिमोट प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो रिमोट का प्राइस क्या होगा, ये मेरे बिजनेस का अकेले का डिसीजन है, इससे बाकी बिजनेस के या बाकी बिजनेस को कुछ लेना देना नहीं है, राइट? इस बिजनेस के लॉ में, इस बिजनेस प्रोडक्शन के लॉ में कुछ बदलाव है, तो उसके हिसाब से डिसीजन जो होगा वो सभी के लिए सेम रहेगा। तो वहां पर मुझे क्या इस्तेमाल करना होगा? मैक्रो एनालिसिस। सिर्फ मेरे प्रोडक्शन के बारे में और उसके प्राइसिंग के बारे में अगर मुझे डिसीजन लेना है, तो उसके लिए क्या ये लगेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? सो माइक्रो एज वेल एज मैक्रो बोथ कॉन्ट्रीब्यूट इन डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। स्टार्टिंग विद द सेकंड पॉइंट, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद डिसीजन मेकिंग ऑफ द इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट, एंड इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट एंड इंडिविजुअल बिजनेस। इंडिविजुअल बिजनेस के अपनी जो प्राइसिंग और सारी डिसीजन, प्रोडक्शन, आउटपुट, इनपुट, इन सभी चीजों के ऊपर, कॉस्टिंग, रेवेन्यू, इन सभी डिसीजन के ऊपर जब वो डिसीजन लेते हैं, इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर जब डिसीजन लेते हैं इंडिविजुअली, तो इसके लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। देयरफॉर इट रिलीज हेवीली ऑन द टेक्निक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर टेकिंग इट्स इंडिविजुअल डिसीजंस और इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस डिसीजंस। इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालिसिस, बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। हमारे पास हमारे बिजनेस में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बहुत से फैक्टर है जो हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। सरकारी पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट एनवायरनमेंट, लॉज, इन सारे चीजों का जो है मेरे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होता है। कंपटीटर, सप्लायर्स, ये मेरे बिजनेस से जुड़े हैं, इनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कंप्यूटर किससे आपकी स्ट्रैटेजी बनाएगा, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इन सभी लोगों का मेरे बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस है, और इनके इस इन्फ्लुएंस के ऊपर मेरे बिजनेस में बहुत से डिसीजन, मैनेजर डिसीजन लेना जरूरी है। और ये मैनेजर डिसीजन लेने के लिए मुझे मैक्रो एनालिसिस की मदद लेनी होगी, क्योंकि वहां पर माइक्रो एनालिसिस का काम नहीं आता। माइक्रो एनालिसिस जो है वहां पर यूजफुल, फ्रूटफुल नहीं होगी। इट डजंट, बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, इट is affected by external environment of the economy. All the components of the external environment are studied under macroeconomics. Therefore, business economics incorporates the element of macro analysis. Therefore, it incorporates the studies of macro analysis. So, business economics के अंदर दोनों आते हैं, microeconomic की study भी आती है और macroeconomic की study भी आती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट, राइट? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस। जब हम सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेते हैं, तब जाकर हम उसे कहते हैं आर्ट। किसी भी नॉलेज का, किसी भी स्किल का जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं आर्ट। इकोनॉमिक्स की स्टडी एनालिसिस टूल का हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे लेते हैं? हम थ्योरी ऑफ डिमांड से यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्राइस में बढ़ाव या घट जो है, इफ वी इंक्रीज द प्राइस, इफ वी डिक्रीज द प्राइस, व्हाट विल हैपन टू डिमांड ऑफ माय कमोडिटी। बीइंग अ प्रोड्यूसर, इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, व्हाट शुड हैपन टू माय क्वांटिटी सप्लाइड, इफ देयर इज डिक्रीज इन प्राइस, व्हाट शुड हैपन टू माय क्वांटिटी सप्लाइड। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने देखा था, हमने खुद देखा है, समझा है कि कंज्यूमर, जब कंज्यूमर सरप्लस नहीं देखता, तो वो कंज्यूमर जो है चीजें बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो ये सारे थ्योरीज का हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा है, इन सारे थ्योरीज का हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देता है। जब मैंने आपको थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ाया, उसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ाया, आप सभी लोगों ने एग्री किया कि प्रैक्टिकली ये ऐसी चीजें होती है। इसका मतलब ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है। जब कभी भी किसी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या एनालिसिस या रिसर्च का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखते हैं, तब जाकर हम कहेंगे कि दैट सब्जेक्ट इज ऑल्सो एन आर्ट। सब्जेक्ट इज ऑल्सो एन आर्ट, क्योंकि
इकोनॉमिक्स के एनालिसिस टूल्स रिसर्च और फाइंडिंग लॉज इन सभी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिजनेस में हम करते हैं, इसीलिए बिजनेस को हम एक आर्ट कहते हैं, क्योंकि स्टडी का जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे तो बन जाता है आर्ट. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट. इट इज एन आर्ट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली यूजेस द थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स एलोकेशन. थ्योरी ऑफ मार्केट हम पढ़ रहे हैं. मार्केट के अंदर पहला यूनिट मैंने आपको पढ़ाया था, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट. ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन देयर वर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ओलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, इसके बारे में हमने पढ़ा था. अब इस मार्केट के हिसाब से हर एक बिजनेस जो है अपने अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं. जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मार्केट में मोनोपोली है, कोई ऐसी चीज है जिसका, जैसे मोबाइल है, इस मोबाइल का सिंगल सेलर मैं हूं पूरे परभनी में, तो मुझे पता है मेरे जो रिसोर्सेज है इसका इस्तेमाल मुझे कैसे करना है, क्योंकि घूम फिर के लोगों को मेरे पास से आना है, मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल मैं मेरे तरीके से कर सकता हूं. और एफिशिएंट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैसे भी इस्तेमाल करूं रिसोर्सेज का अल्टीमेटली आई विल बी एट प्रॉफिट. लेकिन जब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है. जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते तब क्या होता है, जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते तब क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते तो कॉम्पिटिशन बढ़ता है. कॉम्पिटिशन के अंदर सर्वाइव करने के लिए हमें हमारे रिसोर्स का ठीक तरह से इस्तेमाल करना चाहिए. तो ये सारा मार्केट थ्योरी हमें समझाता है जिसका इस्तेमाल हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में करेंगे. सो यूज ऑफ मार्केट, थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच. प्रैग्मेटिक का मतलब क्या था, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक मीन्स डीलिंग थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल रादर देन थ्योरेटिकल वे. बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादा करके इकोनॉमिक्स की थ्योरीज और एनालिसिस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखता है रादर देन उसकी थ्योरी समझने की कोशिश करता है. बिजनेस इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है ये इकोनॉमिक्स की थ्योरीज और एनालिसिस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रादर देन उसकी थ्योरी पढ़ने में. राइट, इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के एनालिसिस का हमारे बिजनेस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसके लिए ज्यादा जो है एम्फसाइज बिजनेस इकोनॉमिक्स देता है. इसलिए प्रैग्मेटिक इन अप्रोच कहते हैं, मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वी कैन से. राइट, इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल, व्हेयरएज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच एज इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हिच अ फर्म फेसेस एंड ट्राइज टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकली मैनर. प्रैग्मेटिक इन अप्रोच है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट थ्योरेटिकल ओरिएंटेड है. राइट, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर. इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो इंटरडिसिप्लिनरी, यानी जब एक चीज जब दूसरे चीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है जब उसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेंट ऑन मैथमेटिक्स. मैथ्स इज नंबर, बिजनेस इज ऑल्सो नंबर, प्रॉफिट इज ऑल्सो नंबर. लेकिन प्रॉफिट के नंबर लाने के लिए मैथमेटिक्स ब्रांच के हमें इस्तेमाल करना होगा. बिजनेस में बहुत से डिसीजन जो है वो लेने के लिए हमें स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करना होगा. स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किस तरह से बिजनेस डिसीजन के लिए किया जाता है ये आपको मैथ्स में 11th स्टैंडर्ड में आपने स्टैटिस्टिक्स में देखा है. राइट, तो स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करके हम बिजनेस डिसीजन लेते हैं. फिर इकोनोमेट्रिक्स के टेक्निक्स और टूल्स है उसका इस्तेमाल, वो एक अलग तरह के टूल्स टेक्निक्स है जो आपको इस लेवल पे नहीं है. इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रो, मैक्रो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाकर जो है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है वो इवॉल्व होता है. इसीलिए हम इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, यानी व्हेन इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट ब्रांचेस. इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड का मतलब होता है रिलेटिंग टू मोर देन वन ब्रांच ऑफ नॉलेज. बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम मैथमेटिक्स देखेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम हर वो चीज, हर जो स्टडी ऑफ नॉलेज है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे. बिजनेस इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट वेरियस ब्रांचेस एंड डिसिप्लिन सच एज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च एटसेट्रा. ये सारे जो है स्टडीज और सिस्टम्स का स्टडी जो है, रिसर्च जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आता है, ऑपरेशन जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आता है, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, ये सभी ब्रांचेस की स्टडी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में कहते हैं. इसलिए हम इसे इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिसिप्लिनरी यानी डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन ब्रांच ऑफ नॉलेज. लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर. ये वाले पॉइंट को ध्यान से सुनो क्योंकि इस वाले पॉइंट के ऊपर कंपलसरी एमसीक्यू आ सकता है इस चैप्टर में से.
normative in nature. What do you mean by normative in nature? Positive economics is objective and fact-based, whereas normative economics is subjective and value-based. Subjective and value-based means more of practical oriented. हमने ये समझ लिया कि economics theoretical based है, business economics practical oriented है. इसलिए business economics normative in nature है और economics जो है वो positive या objective based है. Positive economics is what is and what is not to be, right? And normative economics is what is exactly should be and what should be the exactly decision. And to arrive at the practical decision and what it should be, we have to make the practical application. Hence, business economics is to be understood as a normative in nature rather than objective or fact-based or positive in nature. Right? Business economics is generally normative in nature as it suggests application of economic principles. Business economics combines both normative and positive economic theories. Lekin moreover, it is considered as normative in nature. Moreover, it is considered as normative in nature. So, these are all the features, or you can say the characteristics or the nature points which constitute the nature of business economics. उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को सारे पॉइंट समझ में आए होंगे. आज के लिए इतना ही. धीरे धीरे थ्योरी बढ़ाएंगे, गड़बड़ नहीं है. थ्योरी बहुत बोरिंग है ये चैप्टरों की. चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर फाइव, ये दोनों चैप्टर पढ़ाएंगे कुछ मेरे को कंटा लगा था, इतना थ्योरी है. चैप्टर नंबर फाइव तो ठीक है, चैप्टर नंबर वन तो बहुत घटिया है. चैप्टर नंबर वन में सिर्फ लास्ट वाला जो थोड़ा पार्ट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है. आज की थ्योरी को हम यही रोकते हैं और बचे वाले चैप्टर की थ्योरी के साथ हम कल शुरू करेंगे. जाने से पहले गाना सुना देता हूँ. गुड मॉर्निंग. ये है सचिन कुकरेजा. इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है. ये सूरज से भी गाना, कह दो गाना. कि अपनी आग बुझा के करे. ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे. अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर. हमारी जिंदगी में एक जयदेव मामा, हमारे मुंह बोले मामा जयदेव, उन्होंने हमें 21वीं सदी के सात उसूल सिखाए. सेवन कमांडमेंट. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy. रुको रुको दूसरा गाना सुना दो. ये गाना सुनो, बहुत अच्छा गाना. कितनी खूबसूरत जगह है. ब्यूटिफुल.
You know what? हमें हर साल कम से कम एक हफ्ते के लिए गोवा आना चाहिए. Definitely. Kiss it. Yes, sir. देख रहा हूँ वो जहाज जो जरा देर बाद दिखाई नहीं देगा. जानते हो हम तीनों उस जहाज की तरह हैं, जो आज नहीं तो कल अपनी मंजिलों को ढूंढते हुए निकलेंगे. और हो सकता है कि हमारी मंजिलें अलग अलग हों. सब क्यों कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा. हम सब दोस्त हैं सिर्फ जिंदगी भर के. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. होप यू एंजॉयड द संडे. नो संडे नो फंडे. ओनली पढ़ाई डे. राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सभी लोगों को होमवर्क दिया गया है. सभी लोगों को होमवर्क करने के लिए बोला गया है. होमवर्क को सबसे कंप्लीट करना है, चाहे फाउंडेशन के हो ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मुझे होमवर्क जो है जितना आपको बताया गया उतना सारा होमवर्क कंप्लीट चाहिए कोई भी हालत में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे होम, स्टे सेफ. दो गज दूरी, मास्क जरूरी. बाय बाय.